डियर स्टूडेंट्स, ये इंटेंशनल ड्राइंग का अगला लेक्चर है। तो इसमें चलने के पहले शॉर्ट में बता दूं कि हमने पहले लेक्चर में इंटेंशनल ड्राइंग का कंसेप्ट लिया था। उसके बाद में हमने अगर ड्राइंग का अमाउंट हर बार इक्वल हो और हर दो ड्राइंग के बीच में इंटरवल सेम हो तो इंटेंशनल ड्राइंग कैसे लेना, कैलकुलेट करना चाहिए, इसके कुछ केसेस लिए। अगर हर महीने के बिगिनिंग में पैसा विड्रा हो या एंड में हो या मिड में हो, या हर क्वार्टर पैसा विड्रा हो, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा विड्रा हो तो कैसे, हर क्वार्टर के एंड में पैसा विड्रा हो तो कैसे इंटेंशनल ड्राइंग निकालेंगे, ये हमने केसेस लिए थे। इसी में एक और केस ले रहे हैं हम, इंटेंशनल ड्राइंग अगर हर क्वार्टर के मिड में पैसा विड्रा हो तो कैसे निकालेंगे, ये केस अभी हम ले रहे हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में अगर हर बार का अमाउंट अनइक्वल हो या इंटरवल अनइक्वल हो तो वो भी लेंगे, पर अभी हम क्वार्टर का की ही बात कर रहे हैं। हर क्वार्टर के मिड में पैसा निकाला हो वो भी इक्वल, तो एक क्वेश्चन देखें। तो ये क्वेश्चन है, खुशी इज अ पार्टनर, हर ड्राइंग्स आर 75,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। हर बार पैसा 75,000 निकाला, मतलब हर बार ड्राइंग का अमाउंट सेम है। ये केसेस हम एक एक करके लिखते जा रहे हैं। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में पैसा निकाला, मतलब हर दो ड्राइंग के बीच में 3 महीने का टाइम रहेगा क्योंकि क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। पहली ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग से तीसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग से चौथी ड्राइंग के बीच में जो टाइम है वो 3 महीने रहेगा, यानी इंटरवल सेम है हर बार, अमाउंट हर बार सेम है। ये वाले केसेस हमने पीछे लिए थे और पीछे के लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल में समझाया भी था। अब इसको हम शॉर्ट में ले लेते हैं। तो देखिए, एक तरीका तो ये होता है, जैसे पीछे भी बताया था, 3 मेथड बताई थी, वही 3 मेथड भी बताऊंगा। एक तरीका तो ये होता है कि हर एक क्वार्टर का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लो। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून के मिड में पैसा निकाला, तो अप्रैल, मई, जून, इसमें मिड मंथ कौन सा है, मंथ में, मंथ में उसके मिड में डे क्या आएगा, 15th डे, तो 15th आप मई से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक लगता है, तो अप्रैल, मई, जून उसके ठीक मिड की डेट 15th मई होती है। 15th मई से 31 मार्च तक 10.5 मंथ होता है, 10.5 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लें। फिर उसके बाद में जुलाई टू सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर की मिड डेट 15th अगस्त, 15th अगस्त से 31 मार्च तक 7.5 मंथ, 3 महीने कम होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वार्टर होता है अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसकी मिड डेट 15th नवंबर, 15 नवंबर से 31 मार्च तक 4.5 मंथ। ऐसे ही लास्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च, जनवरी, फेब, मार्च, फेब का मिड 15th फेब, 15th फेब से 31 मार्च तक 1.5 मंथ, टोटल 24 मंथ होते हैं। हम चाहे तो हर एक पे अलग अलग, हर 75,000 पे अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लें अलग अलग टाइम के हिसाब से और उन सबका टोटल कर लें, ये आ गया इंटरेस्ट ड्राइंग। एक तरीका तो ये, दूसरा बार बार इंटरेस्ट निकालें फिर टोटल करें, अगर जब टोटल करना ही है तो इकट्ठा एक ही बार में इंटरेस्ट निकाल लो। अगर एक ही बार में इंटरेस्ट निकालना है तो या तो क्वार्टरली ड्राइंग ले लो या फिर ईयरली ड्राइंग ले लो, दो ढंग से इंटरेस्ट निकल सकता है। अगर हमने क्वार्टरली ड्राइंग ली तो क्वार्टरली ड्राइंग है 75,000, इंटरेस्ट की रेट है 5%, टाइम है 24 मंथ, इकट्ठा 24 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि 75,000 हर क्वार्टर में पैसा निकाला और 4 क्वार्टर होते हैं, 75,000 × 4, 3 लाख रुपीज़ होता है, तो 3 लाख रुपीज़ पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 5% की रेट से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। जब एनुअल ड्राइंग दी जाती है तो टाइम एवरेज देखा जाता है, तो पहली बार में टाइम था 10.5 मंथ और आखिरी बार में टाइम था 1.5 मंथ, 10.5 और 1.5 का एवरेज, ये बताया था मैंने एनुअल ड्राइंग में, फर्स्ट ड्राइंग का टाइम और लास्ट ड्राइंग का टाइम, इन दोनों का एवरेज टाइम लो, तो 10.5 और 1.5, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ, तो 6 मंथ हो गया एवरेज टाइम। तो दोनों में से कैसे भी इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट का अमाउंट सेम आएगा, कैलकुलेट करके देखे कितना आता है। तो देखिए, दोनों केस में 7500 आ रहा है, चारों इंटरेस्ट अलग अलग निकाल कर टोटल करो तो भी सेम आएगा, जो हमने पिछले लेक्चर में एक बार करके भी देखा है। तो इस ढंग से इंटरेस्ट ड्राइंग अगर हर क्वार्टर का या हर इंटरवल का अमाउंट सेम है और इंटरवल सेम है, तो दोनों सेम है, तो
कैसे निकलता है, इससे कुछ केसेस लिए थे। अब हम अगला केस लेने वाले हैं, अगर ड्राइंग का अमाउंट हर बार अलग हो, या हर बार जो अमाउंट का विड्रावल का जो इंटरवल है वो अलग हो, यानी कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में, कभी 5 महीने में पैसा निकाल लिया, ऐसा हो, या दोनों अलग अलग हो, तो कैसे निकलेगा। उसके लिए प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होती है, वो हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।